Hi guys, good morning. It's Sunday morning. It's almost 11. Just my camera. Okay, Sunday mornings are usually a little busy for me and like us because Sunday morning is deep house cleaning day in the morning when my helps come. तो उनके साथ हम दोनों मिलके लगे रहते हैं कि ये कोना साफ करो, वो कोना साफ करो, तो deep cleaning होता है घर का. तो हमने breakfast सुबह कर लिया था and cooking shooking is done. So I thought कि आज की जो vlog है, क्योंकि if you guys have not noticed, I try to put out at least one vlog every week now. तो आज हम करेंगे सेल्फ केयर संडे पैम्पर रूटीन सेशन. एंड मैं कभी किसी दूसरे व्लॉग में अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूंगी. सो अभी मैं क्या कर रही थी, अब जस्ट सिटिंग ऑन द लैपटॉप एंड एक्चुअली स्क्रिप्टिंग का काम थोड़ा कर रही थी. नेक्स्ट वीडियो कॉन्टेंट क्या होगा उसका स्क्रिप्ट लिख रही थी. दिस इज हाउ आई स्लेप्ट यस्टरडे नाइट, टाइंग माई हेयर इन चूटी एंड ऑयलिंग करेंगे. पीसीओडी के लिए बड़े रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि अभी अपने पीरियड साइकिल रेगुलर है कि नहीं. तो यस, आई डू हैव अ रेगुलर पीरियड साइकिल नाउ. बट सब बाहर कुछ कर रहा है. आई एम गोइंग टू मेक माय टी फर्स्ट एंड देन डू माय पैम्पर सेशन एंड शावर रूटीन एंड एवरीथिंग. बट आई ऑल्सो दैट एंड ऑफ द वीडियो शो यू पीसीओडी के लिए कुछ योगासना. सो कंटिन्यू वॉचिंग द व्लॉग. अरे ये हमारा गार्डन काफी अच्छा लग रहा है. ओ वाओ, बट दिस इज लुकिंग सो नाइस. दिस प्लेस अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है. दिस देयर फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स भी है. नाइस, हाँ. बट इसका फ्लावर गया अभी नहीं है. इधर भी कुछ कुछ है हमारे प्लांट्स. बालकनी से हमारा व्यू है. उत्सव इज वेरी गुड विथ हिज प्लांट्स ड्यूटी. ही लव्स इट. ओके, सो टी इज ओवर. नाउ आई विल बी जस्ट ऑयलिंग माई हेयर लिटिल बिट. सो इन एवरी 15 डेज आई काइंड ऑफ ऑयल माई हेयर. एंड दिस इज द स्टोरी टेल ऐप गाइज, द वन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसमें मैं ऑडियो बुक्स रेगुलरली सुनती रहती हूँ. बहुत यूजफुल ऐप है, अपने फोन पर डाउनलोड करें एंड यू विल रियली सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ. जस्ट ट्राई दिस ऑन माई रिकमेंडेशन. पैम्परिंग का नंबर वन गाइडेंस इज ऑडियो बुक्स. I did a nice chumpy head massage to myself. अभी एक घंटा मैं इसको रखूंगी एंड आई विल शो यू समथिंग. अभी मैं कल एक्चुअली मैं उत्सव गए थे एम्बियंस मॉल, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है. इट्स अक्टूबर टाइप ऑफ फेस्टिवल. अगर लहंगा फॉर माई सेल्फ, आई जस्ट शो इट टू यू गाइस. वेट, ये मुझे 7000 की पड़ी है आफ्टर 70% डिस्काउंट. ये दुपट्टा, इसका वर्क इज लाइक दिस ऑफ द दुपट्टा. These are the tassels. It's blouse hai, brocade ka kaam hai ispe. So I have to get this stitched and made, which I'll go and give it to the tailor today. This is the actual piece, the lehenga. Skin ka material bhi zyada nahi hai, just perfect hai. Bahut zyada bhi nahi hai, kam bhi nahi hai. Main shopping karungi festivals ke liye. I'll buy some stuffs online and I will definitely share with you guys. But I just thought ki mera pehla hai, to aapko dikhati hu. इंस्टाग्राम पे मैं जरूर इसका फोटो दूंगी या फिर किसी कोई लुक शेयर करूंगी. फेस्टिवल्स आ रहा है तो आई शेयर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट माय ब्लॉग. सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दैट. नाउ इन माय शावर रूटीन, वन प्रॉब्लम दैट रियली फेस, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर फेसिंग दीस डेज, इज स्ट्रॉबेरी लेग्स और इनग्रोन हेयर. So with the M caffeine coffee body scrub, I have taken up the challenge to tackle my strawberry legs, जिसके साथ मैं exfoliate करती हूँ लगातार 8 times. So it's a staple in my shower routine these days. तो चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि shower routine में कैसे इसको use करते हैं. And I will encourage you guys to also take up the challenge. So this is a nourishing and exfoliating body scrub made of pure arabica coffee, coconut oil, and caffeine. It gently buffs away all the rough dead skin cells, blackheads, and tan and impurities. सो इट हैज कॉफ़ी विच इज़ एक्चुअली अ ब्रिलियंट एक्सफोलिएटर होती है, जो अच्छे से स्क्रबिंग करती है और ज़्यादा हार्श भी नहीं है. और कॉफ़ी में जो कैफीन कॉन्टेंट होता है वो फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है, जिसके हेल्प से आपके स्किन को पंप अप एक बूस्ट मिलता है. डैमेज से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा आपके स्किन को ड्राई भी नहीं करती है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है. I'll have the link in the description box for you guys to definitely check it out.
and post this, you'll see how soft and smooth my skin feels. Okay, so I have taken my shower, really nice long Sunday self-care pamper shower. Try to do exfoliation of your body, entire body, at least twice in a week. Take up this M Caffeine challenge, see the difference it makes to your ingrowns. Like, I could definitely see a visible difference. This feels really smooth and soft. I'm now going to like moisturize myself nicely and pamper myself and continue with the vlog. I have a YouTube video to shoot right now. Dusre ek content ka hai jo mujhe shoot karna hai. Also have to shoot for an Instagram picture. I have an Instagram shoot to do. And anyway. ओके सो अभी एक्चुअली बज रहा है 4, पूरे दिन का काम काज सब कुछ खत्म हो गया. एज प्रॉमिस्ड अर्लियर इन द वीडियो कि अभी मैं आपको 2-3 योगा आसना दिखा दूंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने योगा रूटीन में इफ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी. योगा इज अ कनेक्शन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल. सो आई थिंक पीसीओडी के लिए कोई एक आसन बता दू, एक दो आसन बता दू, ऐसे नहीं होता है. जो जो मैंने आज तक योगा के आसना और वीडियो शेयर किए हैं प्लीज उनको करें. हर एक आसन आपको हेल्प करेगी. खास करके सूर्य नमस्कार जब इज अ आसन फॉर एंटायर बॉडी. ओके तो पीसीओडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ आसन आप कर सकते हो इंक्लूड अपने फुल योगा बॉडी रूटीन में. जैसे स्पॉट रिडक्शन नहीं होती वैसे ही एक दो आसन से आपको घंटा फर्क पड़ने वाला है. ठीक है तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. तो आप बटरफ्लाई पोस्चर में ऐसे बैठ सकते हैं, अपने पैरों को ऐसे बटरफ्लाई पोस्चर में लेके ओके फोल्ड योर टू फीट टुगेदर. Stretch it close. अब मैं actually warmed up नहीं हूँ and start doing the butterfly posture. Very very मतलब अपने pelvic जो पूरा area है इसको आप थोड़ा सा warm up कर रहे हो and it's very very good for also you know these muscles inner thighs. Very very flexibility होती है. आप इसको जरूर include करें. Back को straight रख के आपको you have to just go down and try to touch your head or forehead on the floor. अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रहना है. डोंट राउंड योर बैक. बैक को स्ट्रेट करके ऐसे जितना नीचे जा सकते हो जाने की कोशिश करनी है. यू फील इट हियर. ओके दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू. नेक्स्ट दैट यू कैन डू इज सलभासन, अ वेरिएशन दैट यू कैन डू. यू लाई ऑन योर स्टमक, टेक योर बोथ पाम्स एंड ऐसे इधर कीप इट हियर. ठीक है फीट क्लोज, चिन ऑन द फ्लोर, lift it up, lift up, chin on the floor, lift as high as you can and hold it for at least 10-20 seconds. ठीक है. Another one that you can include for PCOD people is धनुरासना. Full body आ जाइए, लेट जाइए, it's like a bow. पकड़ो, lift up and lift up. इसको भी आप 10 से 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हो. ठीक है. So these are some things that you can definitely include every day in your yoga practice. बाकी next time जब मैं योगा वीडियो ले आऊंगी आई विल मेक श्योर कि मैं अपने आसना में जो मेरा फ्लो होगा ये 3 आसना डेफिनेटली इंक्लूड करूंगी. तो पीसीओडी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा. एंड आई लव यू गाइस सो मच. टेक केयर, बाय बाय. प्लीज वॉच माई अदर ब्लॉग्स हियर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्लॉग. आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू गाइस. बाय.